तो अभी यहाँ पे ना भांजी लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं जैसे ही, तो अभी इन लोगों की तैयारी हो गई है जाने की। जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिंह से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से अपने घर से। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे घर में थी शादी, यानी कि परिवार में जेठानी जी की बेटी की शादी। तो अभी हमारे घर में बहुत सारे मेहमान कुछ गई हैं, कुछ चले गए हैं, और जो लास्ट वाले मेहमान थे उनकी भी आज तैयारी है घर जाने की। तो ये देखो, ये थे हमारे लास्ट मेहमान भांजी लोग, तो ये लोग भी आज जा रहे हैं देहरादून। इन दिनों में इनके साथ टाइम का कुछ पता भी नहीं चला, अभी तैयारी हो रही है इनकी ऊपर वाले घर में जाने की, क्योंकि और लोग रहते हैं मामी लोग इनके ऊपर वाले घर में, तो उनसे मिल के आते हैं और फिर आएंगे यहीं पे, यहीं से बैठेंगे गाड़ी में और जाएंगे देहरादून। तो आज सुना सुना सा भी लगेगा भाई, बहुत याद आएगी इनकी, इनको तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो बहुत याद आएगी। वैसे सुबह सुबह मुझे चाय पानी बिस्तर में आता था, आजकल तो मुझे भी लगता था कि बेटी होने का सुख ऐसा होता है, मतलब घर में बेटियाँ होती हैं तो उनकी माँ को कितना सुख होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए सुख होता है, बाद में तो जब बेटी की शादी हो जाती है तो घर सुना सुना सा भी लगता है। और मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कितनी दूर जा रही है। मेरा तो मन है मैं इनको यहीं रखूं, पर क्या करें, जाना भी ज़रूरी होता है ना, इनकी पढ़ाई भी है, तो तैयार हो रहे नहीं। तुमको कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ, अच्छा मन नहीं कर रहा जाने का। तो रुक जाओ, तो क्या करना, तब जाना तो है ही, पेपर है कॉलेज की। हाँ यार, और आपको कैसा लगा प्रीति? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, गांव में देहरादून में रहते हैं पर गांव में भी अच्छा लगा। और अमीषा की तो इच्छा भी थी कि मामी मैं आपके साथ खेत में भी आऊं और थोड़ा हेल्प भी करूं गेहूं काटने में, लेकिन समय बहुत कम मिला, जो भी घर का काम था बाकी सब काम किया है, खेतों में जाने का टाइम नहीं मिला है मुझे भी। और गाँव में घूमने की इच्छा भी थी तो टाइम ही नहीं मिला है ना, शादी में इतने बिजी थी। तो जाओ ऊपर वाले घर में फटाफट से मिल करके आओ, मैं तब तक यहाँ पे गाड़ी का वेट करती हूँ, ठीक है? जाओ तब, ठीक है, जल्दी आना। 8 बजे, ठीक है, कोई सी भी गाड़ी आएगी ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी आना है। थोड़ा देर के लिए ऊपर वाले घर में मामी लोगों से मिलने के लिए जा रही हैं भांजी लोग, बाकी तो वो अभी आएंगे नीचे और फिर चले जाएंगे यहाँ से तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से उनकी सीधा गाड़ी है देहरादून के लिए, तो शायद उनके साथ आज अंकुश बेटा भी जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना भांजी लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं, जैसे ही ऊपर वाले घर से आएंगे तो इन बैगों को लेके रोड पे चले जाऊंगी मैं भी, घर पे भी आएंगे वो। अभी उन्होंने नाश्ता नुश्ता कर लिया है, उसके बाद गई हैं ऊपर वाले घर में। तो मामा मामी लोग, ज़्यादा लोग ऊपर ही रहते हैं, यहाँ पे तो हम ही रहते हैं, तो उनको मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और आज ना बहुत ख़राब लगेगा भाई मुझे भी, घर सोना सोना सा, इनके साथ मुझे ऐसी आदत हो गई थी ना, मतलब सारा काम घर का काम भी निपटा रही थी, बेटियाँ होती ही ऐसी हैं भाई, घर का पूरा काम निपटाती हैं बिस्तर पे सुबह उठ के। ऐसा नहीं लग रहा था कि मामी लोगों के घर पे आ रखी हैं, जैसे अपने घर में काम करती होंगी वैसे ही यहाँ पे भी काम कर रही थी। और जाने का मन उनका भी नहीं है और भेजने का मन मेरा भी नहीं है उनको, मैं तो सोच रही थी एक दो दिन और रुक लेती तो क्या पता गाँव में भी ले जाती उनको घुमाने के लिए। वैसे तो आज गाँव में सगाई भी है, हमें जाना है बाद में, और सगाई वाला वीडियो भी बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अमीषा लोग भी आ गए हैं ऊपर वाले घर से मिलकर, दुकान से मिलकर, तो अब तैयारी है वे सारे बैग उठा के रोड पे ले जाने हैं ना, अब जा रहे हैं। तो मुझे भी बैग तो उन भी उठा गए उनको, और अंकुश बेटा भी जा रहा है इनके साथ,
छोड़ने के लिए बहनों को छोड़ना जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा भी नहीं कंकेत तो पैकिंग नहीं हो रही है, मुश्किल से पैकिंग कर रही है यहाँ पे अमीषा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, कपड़े ला रखे थे भाई इन लोगों ने, बहुत सारे कपड़े, बहुत भी क्या थे पर जितना दो बैग थे हमारे कपड़ों के और दो और बाकी अंकुश भाई जा रहा है छोड़ने के लिए। हेलो नमस्ते सुपर बात सभी को, राधे राधे गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून बहनों को छोड़ने के लिए, बहनों को छोड़ने। तो मिलते हैं गाइस कुछ दिन में, बाय बाय। तो अभी कुछ दिन तक अंकुश बेटा का भी वहाँ पे काम है तो वो भी वहीं रहेगा, और दो चार आठ दस दिन बाद आना घर, वाह घूम घाम के आना। शांति हो जाएगी और मैं चाहती हूँ तब तक ये घूम घाम के आए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया है आजकल घर पे, तो थकान भी लग गई होगी और साथ ही साथ में अपने काम पे भी ध्यान देना, वाह। चलो तब बैग इतने ज्यादा हो गए कि मेरे बैग में इतना सामान आता है, देखो बस थोड़ा सा इनके। हाँ यार उसके कपड़े भी कम ही कम ले जा रखे ना तूने, वेगवे ना लगे कौन से। तो बाकी अब हम लोग भी जा रहे हैं रोड पे तक भांजी लोगों को छोड़ने के लिए, जैसी गाड़ी आएगी वैसे ही गाड़ी में बिठाएंगे। और आप तो पता नहीं कब आएगी, वैसे तो मैं बोल रही हूँ गर्मियों की छुट्टियों में आना, क्योंकि गर्मी में यहाँ ठंडा रहता है ना, तो रोड ज़्यादा दूर नहीं है, घर से थोड़ा ही दूर है। हम लोग भी पहुंच गए हैं रोड पे, यहाँ पे अंकुश के दोस्त लोग मिल गए हैं, तो अंकुश को मिल रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे पानी का धारा है तो सभी लोग पानी भरते हैं, और बैग आ गए हैं रोड पे। तो अभी इन लोगों की तैयारी हो गई है जाने की, और ये वाली गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे, तो तिलवाड़ा तक जाएंगे इस। तब आएगा ढंग से आएगा जब मन को लो तब। बाय 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 तो अभी भांजी लोग भी बैठ गई हैं गाड़ी में, और इस वक्त तो वो तिलवाड़ा से आगे निकल चुकी होंगी। बाकी घर का माहौल अभी सुनसान सा लग रहा है, देख सकते हैं घर में कोई भी नहीं है। आयुष पीयूष भी स्कूल जा रखे हैं,